फ्यूचर ऑफ इंडिया आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मैफिल इंडिया लिमिटेड को, शॉर्टकट में समझेंगे कंपनी के चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है, चार्ट ऊपर जाएगा या अभी भी इसमें ग्राउट ही देखने को मिलेगा। बेसिकली ये जो ग्राउट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ग्राउट सिर्फ एक दिन की है, लेकिन चार्ट पर जो संकेत बन रहे हैं उसके हिसाब से प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस मिल रहे हैं। तो इसी अपडेट को इस वीडियो में आपको समझाने की और बताने की कोशिश करूंगा। आपके पास यदि पहले से इस स्टॉक में होल्डिंग्स है, आपने पहले से इस कंपनी के शेयर्स बाय कर रखे हैं, तो आपके लिए तो वीडियो काम की है। कोई नया व्यक्ति भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि उसे पता लगे कि किस लेवल पर उसको बाई और सेल करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपनी में देखते हैं, ये भी नहीं देखते कंपनी काम क्या करती है, किस सेक्टर से बिलोंग करती है, सिर्फ प्राइस देखते हैं, प्राइस कम है तो चलो उसको बाई कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसी लॉजिक को इस वीडियो में समझते हैं। काम के बारे में तो आप समझ ही जानते हैं कि ये जो कंपनी है बेसिकली कार्गो से रिलेटेड कामकाज करती है, कार्गो एंड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कंपनी का व्यापार है। तो ये जिस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, ये काफी ग्रो करने के इसमें चांसेस ज्यादा, ट्रांसपोर्टेशन वाली जो लाइन होती है काफी पैसा कमाने को फ्यूचर से देखें तो काफी बेहतर नजर आता है। अब हम लोग कंपनी के फंडामेंटल को समझते हैं। तकरीबन 30 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है, स्टॉक का पीई गायब है, क्योंकि पेनी स्टॉक में पीई आपको सामान्य देखने को नहीं मिलता है। शेयर का प्राइस जो 85 पैसा है, बुक वैल्यू से ज्यादा है, बुक वैल्यू तो खैर यहाँ पे है ही नहीं, और रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी का पता नहीं, क्योंकि ये देखिए अभी क्या है ना, स्टॉक का जो मार्केट कैप है काफी कम है, मार्केट कैप कम होता है तो ये सारी चीजें इसमें गायब होती है। बस मोमेंटम देखना होता है कि यदि चार्ट पर मोमेंटम बन रहा है तो शॉर्ट टर्म में आप पैसा कमाना चाहते हैं तो मोमेंटम का लाभ उठा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के विजन से भी आप इस स्टॉक को देखते हैं तो फिर इसमें और भी तमाम चीजों को गहन अध्ययन करना होगा, मैं आगे इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आगे सबसे पहले चलते हैं कंपनी के चार्ट पर, और चार्ट पर समझते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से इस चार्ट पर क्या संकेत बने, कहां पे आपको बाय एंड सेल करना है। अभी हम लोग आ गए कंपनी के एक साल के चार्ट पर, और यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस कितना नीचे से प्राइस अब जाके फिर से उठना शुरू हुआ है, और धीरे धीरे करके प्राइस ऊपर ही आपको जाते हुए दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक प्रकार से कहें तो डब्ल्यू टाइप का भी फॉर्मेशन आपको होते हुए दिख रहा है, चार्ट पर जब भी डब्ल्यू बनता है तो ऐसा खासा उसमें तेजी आता है। तो जो लोग इस ये चार्ट पैटर्न समझते हैं, टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं, बहुत से लोग यहीं पर इसको उठा लिए होंगे, इस कंपनी के शेयर को बाय किए होंगे, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू बन रहा था, एग्जैक्ट दिख रहा था, और डब्ल्यू में जब भी बनेगा एक अच्छा ब्रेकआउट होता ही होता है इस लेवल को ब्रेक करने के बाद। तो जो लोग पहले से यहाँ पर बाय किए थे उनको अच्छा खासा बेनिफिट हो गया। अब जो लोग नहीं अभी इन्वेस्टमेंट कर पाए हैं, जिनका पहले से इन्वेस्टमेंट है, तो अभी भी देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस तकरीबन इस जोन से ऊपर है जो कि इसके लिए कंसोलिडेशन जोन था, और कंसोलिडेशन जोन से चूंकि प्राइस ऊपर है तो क्या चांसेस है, चांसेस यही प्राइस और भी अभी ऊपर जाएगा। अब जो 90 पैसा का लेवल है, ये लेवल ये किसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के बाद इसका प्राइस इजिली आपको 150-200 रुपये तक शॉर्ट टर्म में जाते हुए आपको दिख सकता है, जिसमें बताया 150-200 रुपये तक। तो आपको क्या करना है, 150-200 रुपये तक जाने के लिए इस प्राइस को वेट करना है, आपको शॉर्ट टर्म में ही आपको 150-200 रुपये तक बहुत जल्द इसका प्राइस जाते हुए दिखेगा, और 2-2.5 रुपये के ऊपर, चूंकि 2 रुपये के आसपास आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, इसको ब्रेक कर देगा तो फिर प्राइस आपको इजिली यहाँ से 3 रुपये तक जाते हुए भी दिखेगा। तो देखिए अभी क्या है, जिसमें बताया 90 पैसा से लेकर 1 रुपये के लेवल तक आपको वेट करना है, 1 रुपये का लेवल इजिली ब्रेक कर देगा। जैसे अभी भी क्वार्टर्स के नंबर, अभी तो क्वार्टर 3 के नंबर आए हैं उसको देखेंगे, और इसके बाद जो क्वार्टर 4 का नंबर आने वाले, तो ये वित्तीय वर्ष का लास्ट क्वार्टर का नंबर होगा, क्वार्टर 4 का रिजल्ट, और इसमें यदि बेहतर स्टॉक कर जाता है तो इजिली इसका प्राइस आपको 3 रुपये तक जाते हुए दिखेगा। तो यदि हम लोग क्वार्टर्स के नंबर को एक बार डिटेल में एनालिसिस करें, तो क्वार्टर्स के नंबर देखेंगे, दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट आ गए हैं, और इसमें स्टॉक ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए इस स्टॉक में देखा जा सकता है। मतलब मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो सेल्स इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले बहुत ज़्यादा हुआ, जहाँ पहले 12 करोड़ था अभी बढ़कर 14 करोड़ के आसपास हो गया, पहले से भी ज़्यादा है। तो ओवरऑल ये बेहतरी की तरफ संकेत कर रहे हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट कंपनी नहीं है, सिर्फ सेल्स बढ़ा है, क्योंकि इसके ऊपर डेप्ट भी है, डेप्ट जो कंपनी कमाई होती है बेसिकली वो डेप्ट करने में, डेप्ट को कम करने में कंपनी कर रही है, तो इस वजह से कंपनी अभी प्रॉफिट में नहीं है। हालांकि एक बार डेप्ट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद कंपनी प्रॉफिटेबल बन जाएगी, और एक बार कंपनी प्रॉफिटेबल बनी तो उसके बाद शेयर प्राइस में धड़ाधड़ तेजी आने के चांसेज रहेंगे, प्राइस ऊपर ही जाएगा। तो MFL इंडिया के बारे में देखिए, अगर ओवरऑल कहें तो स्टॉक काफ़ी बढ़िया है, जिस सेक्टर में काम करता है, जो काम करता है उसके हिसाब से शेयर प्राइस में तेजी आने के चांसेस रहेंगे। आपको शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने तो टारगेट मैंने आपको बता दिया है, बाकी लॉन्ग टर्म के बिजनेस से समझते हैं तो और भी पैरामीटर्स देखने होंगे। क्वार्टर्स के रिजल्ट आने दीजिए, 2-4 क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आते हैं उसके बाद फिर मैं नया वीडियो बनाऊंगा इस पर अपडेट कर लेकर, यदि लॉन्ग टर्म का आपका बिजनेस है स्टॉक में। तो अभी के लिए आपको मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन कमेंट में जरूर पूछिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।